हेलो दोस्तों, नगर कौंसल तरन तारण के वैकेंसी आ चुकी है जी। सफाई सेवक की तो सीवर मैना की तो टोटल है जी 133 वैकेंसियां सफाई सेवक दियां ते 31 सीवर मैना दियां। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से वैकेंसी आ जी। तो जी तुम तनखा वगैरह मिलेगी जो डीसी रेट होगा जी, लेबर रेट उन्होंने निर्धारित किया होगा, तो अकॉर्डिंग तनखा मिलेगी जी। तो यदि लास्ट डेट हैगी जी 30 सितंबर। ऑफलाइन तुम अपनी फार्म भर के भेज सकते हो जी। तो बाकी डिप्टी डीसी वालों जो भी रेट निकलिया होगा जी, वो अकॉर्डिंग तुम तनखा मिलेगी। तो बाकी कि तुम पता पक्के वगैरह कर देंगे जी, बाकी है कि वह कुछ टाइम पीरियड हों वा। तो जोड़े मतलब कि नवी हूँ गवर्नमेंट बनी उन्होंने किए भी हुए ग्रुप डी के जोड़े वर्कर पक्के, तो उन्होंने सफाई सेवक के है सीवर मैना के भी गए जी। तो नोटिफिकेशन हैगा जी 2021 के भी आया, तो हूँ भी आ सॉरी 2000 जोड़ा है वा 22 के भी ये बारे दसा गया वा जी। तो जोड़े उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं जी, वो मतलब कि डाकखाने राही जां आप जाके मतलब कि जमा करा सकते हैं जी। तो नगर कौंसल जो तरन तारण दफ्तर उत्थे मतलब कि ये फार्म जमा कराने। तो ये जी आप मतलब कि शर्त अगर रखी है ने। बाकी पहली गल तो एज की आ जी, 2021 तक तुहाडी एज 18 तो लगे 37 साल के विचकार होनी चाहिए आ जी, ठीक है। बाकी SC ST OBC 5 साल की 3 साल की छूट मिलती उन्होंने। तो उम्मीदवार के मतलब कि उत्ते कोई भी केस वगैरह ना हो, वड्डी गल सब तो वड्डी यह आ कि घट्टो घट 3 साल का तजर्बा रखने वाले तरजीह दी जाऊगी। तो मान लो कि कहें कि जे मतलब तुसी अपना एक्सपीरियंस हैगा तुहाडे तो, जो एक्सपीरियंस दोगे तो तुहानू उहदे तरजीह दे आधार ते रखा जाऊगा काम करन दे बेस ते, ते नाले तुहाडी एज भी देखी जाऊगी उस बेस ते तुहानू मतलब कि तरजीह दी जाऊगी। तो उम्मीदवार पंजाब का पक्का मतलब कि निवासी होवे जी। तो जिहड़ी हैगी आ जी देखिए एक लिखी लैन और कि सफाई कर्मचारी से सीवर मैना की पंजाब म्यूनसीपल सफाई कर्मचारी सेवा निजम 1994 अधीन की जानी है जी भर्ती वगैरह। तो सरकार दी हदायतों अनुसार सफाई सेवका से सीवर मैना नियुक्तियां स्थानिक सरकार विभाग से नियुक्ति घट्टो घट तजर्बे के बराबर छूट दी जाऊगी। मतलब कि वो जो लोकल गौरमेंट के अंदर ही वैकेंसी आती है जी, क्योंकि लोकल गौरमेंट डिपार्टमेंट अंदर ये अदारा ज़्यादा नगर कौंसल का, तो वो वैकेंसी होंगी है जी। तो ये जी क्वालिफिकेशन होंगी 8वीं पास मांगते हैं जी, तो जिन्होंने 8वीं की हुई है वो एलिजिबल है जी। तो फार्म तुम ये कढ़ा सकते हो जी, प्रिंट करा सकते हो। तो ये PDF साइड टैलीग्राम ग्रुप से मिल जूगा। तो उतो पहले नंबर नेम लिखना पंजाबी, दूजे नंबर अपना फादर नेम, तो जे मतलब कुड़ी कोई अप्लाई करिए मैरिड है तो अपने पति का नाम लिखोगे। तीजे नंबर से अपना जन्म समिति नाल सबूत भेजना जी। तो 12/1/2021 तक सॉरी 1/1/2021 तक तरी किन्नी एज बनती लिख दोगे जी। जन्म मिति की दा स्थान कितने ता जिला मतलब जिला तो ज राज जिदा मतलब तेजे जोड़ा भी डिस्ट्रिक्ट वो लिखोगे नाल स्टेट लिखोगे। 6वें नंबर से आपका घर का पक्का पता, तो 7वें से भी एड्रैस लिखना अपना दोवे से एड्रैस अपना लिख देना जी। 8वें नंबर से आपका मोबाइल नंबर, 9वें नंबर से कैटागरी मतलब कि कैटागरी ताकि जन्म नाल OBC या ठीक है SC ST को लिखोगे। तो 10वें नंबर से इंडियन लिखना जी। तो 11वें नंबर से तुम अपना लिखना कि प्रीख्या पास की आ, घट्टो घट ये 8वीं पास जरूरी है जी। वो तो वह स्टडी जी की लिख सकते हो कि दो कि स्टडी की कि बोर्ड तो की कि साल से की किन्ने अंक आ ही कुल किन्ने अंक है किन्ने प्राप्त हुए किन्ने परसेंट बनती है। उस तो बाद कि पंजाबी लिख लिख सकते हो जी, हाँ गाना दे तजर्बा है तो लिख दोगे, तो कि संस्था तो लिखा नहीं तो नो कर दोगे, ठीक है जी। जो तजर्बा लाओगे तो तुम तरजीह दी जाऊगी मतलब कि सिलेक्ट किया जाओ पहले नंबर पर। तो जो मतलब किसी जगह से पहला काम वगैरह किया वा फिर उत्थे ईफिया फंड वगैरह होगा जो सैलरी अकाउंट नंबर डिटेल दे देनी इतने, ठीक है जी। उस तो बाद स्वय घोषणा लिख देना कि मैं आपका नाम लिख पुत्र, ठीक है, तो मेरी उम्र आ कि मैं घोषणा कर दाँगी, ठीक है, पक्का निवासी आ, थले सैन कर देने। तो साइड से मिति के स्थान लिख देना, कि डॉक्यूमेंट लाए लिख देना, जो आधार कार्ड हो गया, फोटो कापी ओरिजिनल नहीं भेजने, फोटो कापी भेजनी ओरिजिनल नहीं भेज देने, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की होगी, तो तीजे नंबर से जन्मति सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट ये चीज़ा जरूर ला के भेजनिया जी। तो जोड़ा भी अप्लाई करना चाहता जी टैलीग्राम तो नोटिफिकेशन लैके ये प्रिंट करा के PDF तो नगर कौंसल तरन तारण भेज सकता डाक राही जा आप जाके जमा करा सकता वा। तो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंदर आता जी वैकेंसी आती है। तो बाकी कोई भी अप्लाई करना चाहता ग्रुप डी की वैकेंसी कर सकता जी।